हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 8, इसमें आज हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में, एंकरेज के बारे में और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो ऊपर जितने भी लेक्चर अभी हमने कंप्लीट किए हैं, उन सभी लेक्चर्स के अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसी सिलसिले में और इसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, मुझे लगता है जहाँ तक हो सकता है सभी बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी, शायद जिन्होंने पहले पढ़ा है। लेकिन जो जिस तरीके से आज मैं बताने वाला हूँ, दोबारा ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से आज मैं पढ़ाऊँगा और उसे आप जब लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ये महसूस होगा कि हाँ, कि शायद आज मुझे ज़िंदगी में पहली बार ये चीज़ समझ में आई है कि यार किस तरह का सिस्टम है, क्या है। आज तक मैंने पढ़ तो लिया था और याद भी था कि एंकरेज वैल्यू किसके लिए कितनी होती है, लेकिन समझ में अब आया है ना। तो कोशिश करेंगे आसान भाषा में, सिंपल वे में सब कुछ समझें। और अगर आपको लगे कि यार ये वीडियो अच्छा था और हेल्पफुल था, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे 1 रुपया डोनेट भी कर सकते हैं। जो नंबर नीचे चल रहा है उस नंबर पर आप 1 रुपया डोनेट कर सकते हैं, किसी भी मोड से, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, किसी भी मोड से, ठीक है। और ये जो लेक्चर है, मतलब ये लेक्चर नंबर 8 है ना, और इससे पहले मैंने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो 7 लेक्चर्स में इस एक एक रुपए से मैंने कितना कलेक्शन किया होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। आप सोच भी नहीं सकते 1 रुपए में कितनी ताकत है, एक एक रुपए से मैंने कितना कलेक्ट किया होगा। चलो मैं टास्क देता हूँ कि आप अपने मन में एक नंबर सोच लो कि हाँ, शायद हो सकता है कि सर ने इतने रुपये कलेक्ट कर लिए होंगे एक एक रुपये से। तो आपको मैं टास्क देता हूँ, फटाफट 3 तक गिनती बोल रहा हूँ मैं, और आप मन में एक नंबर सोच लो कि हाँ, इतने रुपए शायद कलेक्ट किए होंगे। 1, 2, 3, टाइम अप। ठीक है, टाइम्स अप। अब जो देखो, इन 7 लेक्चर्स में मैंने जो बच्चों ने मुझे दिया है, मतलब सेंड किए हैं, वो अब तक किया है 0 रुपया, ठीक है ना। अभी तक किसी ने भी सेंड ही नहीं किया। मैंने बोला था कि यार अच्छा लगे तो आप मुझे सेंड करना, डोनेट करना, जिससे कि मैनेज कर सकूँ मैं, चीज़ों को सही से चल सके ना। क्योंकि आपको भी पता है यार, खर्चा पानी थोड़ा सा हो रहा है, काफ़ी हो रहा है, और अर्निंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है यूट्यूब से ना, तो चीज़ें मैनेज करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए होता है। तो अगर इस तरह से क्राउड फंडिंग से अगर पैसा आएगा 1-1 रुपये से भी, तो किसी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, है ना। तो जो बच्चे हैं जिनके पास में सच में पैसे नहीं है, जिनको नीड है फ्री एजुकेशन की, उन बच्चों के लिए थोड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं फिर, क्योंकि फिर बाद में फिर वही सिस्टम हो जाता है कि चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी टाइम पर और परेशानी हो जाएगी, तो वो समस्या है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, कि जो बच्चे PDF परचेज कर रहे हैं वो 1 रुपया डोनेट ना करें बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि आप किसी भी तरीके से, एक तरीके से किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हो, आप चैनल को कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए आप कहीं ना कहीं से पेमेंट कर रहे हो किसी ना किसी मोड में, तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है हमारे लिए। तो आप बिल्कुल भी फिर आप 1 रुपया डोनेट ना करें, है ना। तो जो बच्चा कर सकता है वो बच्चा डोनेट करे, और जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल ना करे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे जहाँ तक गाड़ी चलेगी वहाँ लेके चलेंगे ना, क्योंकि पेट्रोल है गाड़ी में, पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलती है। लेकिन हमको भी पता है कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इंजीनियर हैं, हम क्या करेंगे, टक्के टंकी में फूक मारेंगे, चौक वगैरह से लेके जाएंगे, लेकिन धक्के दे दे के लेके पहुंच ही जाते हैं मंजिल तक। तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे, जुगाड़ लगाएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा बॉन्ड एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं तो यार, विनोद बहुत ट्रेंड कर रहा है आजकल, पता है आपको, विनोद, विनोद नहीं, विनोद जानते हो क्या, विनोद को, ये विनोद बहुत ट्रेंड कर रहा है। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर एक्टिव हो तो आपको पता होगा ये विनोद क्या है। अगर किसी को पता हो कि विनोद क्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो अब काम की बातें शुरू कर लेते हैं। आई होप मूड ठीक हो गया होगा और अब हम स्टडी की तरफ आ सकते हैं, है ना। मूड आ गया ना, टाइम, अब पूरा कंसंट्रेशन आ गया होगा। अगर नहीं था, कहीं और सोच रहे थे, दिमाग कहीं और था, तो अब सोचने लग गए होंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पहले मामला क्या है, पहले बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरा कंक्रीट का एक सेक्शन है, और इस कंक्रीट के सेक्शन में से क्या होगा कि मैंने मान लिया इसमें कोई बार है, पर्टिकुलर एक बार है, और वो बार यहाँ पे इस तरह से एम्बेडेड है, अंदर तक है इसमें, है ना, किसी पर्टिकुलर लेंथ तक ये दी हुई है, इस तरह से बार दी हुई है। तो क्या होता है, इस बार पर एक टेंशन फोर्स जनरेट होता है, वो टेंशन फोर्स लगता है बार की तरफ। तो इस टेंशन फोर्स को अपोज करने के लिए क्या होता है कि इसमें जो कंक्रीट अवेलेबल है और ये रेनफोर्समेंट है, इनके बीच में बॉन्डिंग तो होती है, तो इसके सरफेस पर क्या होगा, इसके सरफेस पर एक शेयर फोर्स डेवलप होगा, वो इसको पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। इसी फोर्स को बोला जाता है बॉन्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं।
अगर नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे समझ लेना कि एक डंडा लेना या फिर एक रॉड लेना, उसको आप क्या करना, हाथ में पकड़ लेना, हाथ से पकड़ लेना उस रॉड को, ठीक है, और किसी को बोलना कि इस रॉड को पकड़ के भाई उधर से तू खींच, इसको मैं पकड़ के रखता हूँ इधर से, तो सोचना आपके हाथों पर क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, वही फोर्स है वही क्या कहलाएगा आपको, एक तरीके से समझ सकते हो बॉन्ड स्ट्रेस कहलाएगा। तो अब हमको यही समझना है कि बॉन्ड स्ट्रेस जो है कि कैसे बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है, क्या होती है क्या नहीं होती है, फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे। फिर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ तक जो एक्स्ट्रा आपने लेंथ प्रोवाइड की है, जो एम्बेडेड लेंथ है, वो आपकी कहलाती है डेवलपमेंट लेंथ। क्या कहलाती है? डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। और कई बार क्या होता है कि जो डेवलपमेंट लेंथ आपने प्रोवाइड की है, ये डेवलपमेंट लेंथ क्या है, सफिशियंट नहीं होती है कि इस टेंशन फोर्स को आप रजिस्ट कर पाओ, इस टेंशन फोर्स को रोक पाओ। कई बार क्या होता है, टेंशन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जो आपको बॉन्ड स्ट्रेस लग रहा है टाउ बी डी उससे, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, इस बॉन्ड स्ट्रेस को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड कर दी जाती है कुछ ना कुछ। यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करते हैं, हुक वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं या कुछ भी चीज़ प्रोवाइड करती है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की जाएगी। यही एक्स्ट्रा लेंथ क्या कहलाती है आपकी, ये एंकरेज लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? एंकरेज लेंथ कहलाती है। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि बन गई, भूमिका बन गई है, अब थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़े डिटेल में बातें कर सकते हैं। तो मैंने ये माना कि मेरे पास एक कॉन्क्रीट का सेक्शन है, इस कॉन्क्रीट के सेक्शन में ये तो आपकी कॉन्क्रीट है, आपको दिखाई दे रही होगी, और इस कॉन्क्रीट में ये आपका क्या है, ये रेनफोर्समेंट है। क्या है? ये रेनफोर्समेंट है। कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, बॉन्ड डेवलप होगा, बॉन्ड बनेगा, और आप ये कह सकते हो इसके बीच में जो टाउ बी डी आ रहा है या जो आपका फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आएगा, एडहेशन की वजह से आएगा। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड में दो चीजें हैं, यानी कि जो टेंशन फोर्स को रजिस्ट कर रहा है, ये टेंशन को रजिस्ट कर रहा है, दो चीजें, एक तो आपका कौन रजिस्ट कर रहा है, एक तो रजिस्ट कर रहा है आपका फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगा, प्लस एक एडहेशन डेवलप होगा। एडेशन किस किस की, मतलब कोहेसन एडेशन, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, अगर सेम टाइप के पार्टिकल है तो कोहेसन और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल एडेशन, तो एडेशन और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी कि जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर टेंशन फोर्स, इस टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डेवलप होगा। तो मैं इसको ये क्या बोलता हूँ, ये टेंशन टाइप का ये फोर्स है, टेंशन नेचर का ये है। अब जो रॉड है रेनफोर्समेंट, उसका डायमीटर क्या है, फाई है, या आप कह सकते हो डी है ना, डी या फाई आप कुछ भी बता सकते हो, और जो एम्बेडेड लेंथ है टोटल उसको मैं बोल रहा हूँ एल से। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहूँ या फिर मैं डेरिवेशन करना चाहूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यार आपके है ना, आपके पास में जो भी सिचुएशन अवेलेबल है उस सिचुएशन के हिसाब से कंडीशन कुछ ऐसी बननी चाहिए कि आपका जो टेंशन फोर्स है उस टेंशन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए आपका बॉन्ड की वजह से, जो आपका डेवलप हो रहा है फोर्स। तो बॉन्ड की वजह से कहाँ डेवलप हो रहा है, बॉन्ड की वजह से डेवलप होगा किस पर, बॉन्ड स्ट्रेस। देखो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फोर्स आ जाएगा, है ना। अब बात आती है बॉन्ड स्ट्रेस की, बॉन्ड स्ट्रेस कितना होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेस मैंने बताया टाउ बी डी है। क्या है? टाउ बी डी है। टाउ बी डी कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी बताऊंगा। अब बात आती है एरिया पर, किस एरिया पर ये लग रहा है फोर्स, ये फोर्स लग रहा है सर्कमफेरेंस पर, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, उस परिधि के ऊपर लग रहा है, उसके चारों तरफ लग रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि उसके अगर मैं परिधि निकालूं, टू पाई आर फॉर्मूला होता है, टू पाई आर, आर तो है नहीं अपने पास में, तो फाई का हाफ कर देते हैं तो टू पाई आर, ये तो परिधि हो गई। किस लेंथ तक लग रहा है भैया, ये लग रहा है एल लेंथ तक। कितनी लेंथ तक लग रहा है, एल लेंथ तक लग रहा है, और यहां पर क्या है, टेंशन है। तो अगर ये मैंने सिचुएशन फुलफिल कर ली तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा बॉन्ड स्ट्रेस है, बॉन्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो ज्यादा है टेंशन से, यानी कि हमारा जो बॉन्ड है वो फेल नहीं होगा, यानी कि हम सेफ रहेंगे। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं। सॉल्व करने पर अगर आप लिखते हो तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, एल को अगर मैं एल डी से रिप्लेस कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू फाइव अपॉन 4 टाउ बी डी। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है अगर हम क्या करते हैं, अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं तो, है ना। तो ये फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है जो आपके डेवलपमेंट लेंथ में क्या होता है, काम आता है। कि अगर आपसे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पूछा जाए तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी। इस एल को मैंने एल डी से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। जो टाउ बी डी था वो टाउ बी डी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी चीज़ें कैसे आगे, तो ध्यान रखना इस टेंशन फोर्स को हमने पहले भी पढ़ा है। टेंशन फोर्स क्या होता है, आपका टेंशन फोर्स पढ़ा था ना 0.87 एफ वाई ए एस टी, 0.87 एफ वाई ए एस टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला होता है किसका, किसका फॉर्मूला होता है, ये बताया था ना मैंने किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका टेंशन फोर्स का। जो टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और ए एस टी में आप क्या कर सकते हो, पाई बाई फोर डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के पाई बाई फोर से पाई बाई फोर जो है वो कैंसिल आउट करके, और फिर इन चीज़ों को क्या कर सकते हो,
कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या है सॉल्यूशन, आपको डेरिवेशन करना नहीं है, काम का क्या है हमारे पास में, काम का सिर्फ ये फॉर्मूला है, और ऊपर भी मैंने इसलिए बता दिया इतना ये ताकि आपको समझ में आए कि यार चीज़ें कैसे बनती हैं। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है डेवलपमेंट लेंथ से, कि डेवलपमेंट लेंथ जो है ये किस तरह से वर्क करती है, क्या होती क्या नहीं होती। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अगर मैं किसी सेक्शन को देखता हूँ तो इस सेक्शन में आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना, ये रेनफोर्समेंट है, इस रेनफोर्समेंट को आपने यहाँ से ला रहे हैं, ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से क्या हुआ इसको आगे तक लेके गए, आगे ले जाने के बाद में इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे घुमाया ऐसे लेके गए हो ना आप, तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा लेंथ है, जो आप एम्बेडेड लेंथ है, ये कहलाती है आपकी डेवलपमेंट लेंथ LD। मतलब आपका जो सेक्शन था उस सेक्शन से उस कंक्रीट के सेक्शन के अंदर तक जो आप लेके जा रहे हो उस पॉइंट से, वो सारी की सारी लेंथ क्या लेती है, डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जैसे कि टाउ BD कैसे निकालना है, क्योंकि अगर मुझे ये पता हो कि उस रेनफोर्समेंट का डाया कितना है, और साथ ही साथ में स्टील कौन सा ग्रेड का है, और टाउ BD कितना है, तो मैं डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट नोट आता है, नोट क्या आता है कि अगर आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है तो उसके लिए टाउ BD के पास में टाउ BD कैलकुलेट करना होगा। तो जो टाउ BD है, अगर आपको टाउ BD कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अगर आप LSM थ्योरी अप्रोच में जाते हो, तो दो चीज़ें हैं, अगर आप LSM से जा रहे हो या WSM से जा रहे हो, इनमें फ़र्क होता है। अगर आप LSM से जा रहे हो तो पेज नंबर आपके 43 पर एक वो दिया हुआ है, पेज नंबर 43 पर एक क्लोज है, क्लोज है आपका 26.2.1.1। यहाँ पर क्या एक टेबल दी हुई है ना, इस तरह से एक टेबल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सी ग्रेड के लिए, वहाँ पे दिया हुआ है जैसे M20, M25 उनके लिए वैल्यू है, जैसे कि M20 है तो M20 के लिए वहाँ पर दिया हुआ है 1.2, M25 के लिए टाउ BD की वैल्यू दी है 1.4। लेकिन 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 ये जो वैल्यूज दी हुई हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज दी है टेंशन के लिए, किसके लिए, टेंशन के लिए प्लस FE250 के लिए। अगर आपका यहाँ पर फोर्स चेंज हो जाता है, टेंशन की जगह कंप्रेशन होता है, या FE250 की जगह FE415 है, तो वहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाती हैं। अगर WSM से कैलकुलेट करना हो सेम चीज़, तो WSM के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 81 पर, कितने पर, पेज नंबर 81 पर, और टेबल जो है वो टेबल है, टेबल नंबर 21, टेबल नंबर 21 है, पेज नंबर 81 है, वहाँ से आप WSM के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में WSM में क्या होता है कि 0.87 FY की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या आएगा, सिग्मा CBC, सिग्मा आता है ना सिग्मा, वो सिग्मा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बाकी WSM से हम इतने ज़्यादा यूज़ करते नहीं, हम LSM की तरफ अप्रोच ही करते हैं, ठीक है। अब नोट लिख लीजिए, नोट ये लिख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास में जो कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशंस में आपको कंप्रेशन जोन है, कैसा जोन है, कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन, तो कंप्रेशन जोन के केस में 25% इंक्रीज करते हैं, 25% इंक्रीज करते हैं, 25% इंक्रीज करते हैं किसको, टाउ BD को। और मान लीजिए अगर आपके पास में कंप्रेशन जोन ना हो के HYSD बार दे दी, तो HYSD बार के लिए आप इसको 60% इंक्रीज करते हो, किसको इंक्रीज करते हो, टाउ BD को। अब ये चीज़ समझ लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टाउ BD है, वो टाउ BD आपको मान लिया x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, टाउ BD की वैल्यू x है, और आपको बोल दिया कंडीशन दे दी, कंडीशन दे दी, कंडीशन नंबर 1 कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन जोन है। तो अब जो टाउ BD है, टाउ BD की जो टाउ BD डैश है, वो हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 1.25। समझ में आया, समझ में आया ना। केस नंबर 2, आपके पास में क्या है, HYSD बार है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, टाउ BD डैश इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1.6। केस नंबर 3, कंप्रेशन जोन भी है प्लस HYSD बार भी है, उस केस में कितना हो जाएगा, तो उस केस में आपका टाउ BD क्या हो जाएगा, टाउ BD डैश इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.6, इतना हो जाएगा। अब आप क्या करना, अब यहाँ पे आपका ये टास्क है, आप बताना मुझे कि अगर x मल्टीप्लाई इन दोनों के केस में लिखना है, तो 1.25 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पर मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन आपको मिलेंगे, उन ऑप्शंस में क्या होता है कि इस तरह से ऑप्शन मैनेज किए जाएंगे कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 1.6 और इनको एक साथ लिख देते हैं, तो कितना आता है, ये आएगा 2, कितना आएगा, द मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो आप ये कह सकते हो दुगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द टाउ BD हो जाएगा, अगर आपके दोनों चीज़ एक साथ दी हुई हैं तो, ठीक है क्या। तो ये चीज़ आपसे कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यकीन मानिए, यकीन मानिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं।
ये जो कंडीशंस है ना, ये दो कंडीशन तो नोट लिखवाएं, यहाँ से पूरे के पूरे चांसेस हैं कि टाउ बी डी का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाउ बी डी या बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कंप्रेशन में कितनी इंक्रीज करते हैं या एच वाई एस डी बार के लिए कितनी इंक्रीज करते हैं। समझ में आया ना ये वाली बात? तो समझने वाली बात है कि इसे हम इस तरह से मैनेज करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि यार ये जो वैल्यूज फार्मूला बना है, ये फार्मूला बना किसके लिए है? तो ये फार्मूला बना है प्लेन टेंशन बार के लिए। जो प्लेन बार है प्लस जो कंडीशन है उसकी, वो कंडीशन कैसी है, जोन कैसा है, टेंशन जोन है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला टेंशन जोन के लिए प्लस प्लेन बार के लिए है, ना तो एच वाई एच डी बार है ना ही टेंशन है, उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। सही है क्या भैया? अरे सही है या नहीं है बताओ फटाफट, सही है ना। चलो अब देखो एक बात और आती है, नोट लिख सकते हो आप, ये बात जानना भी जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? अगर बार बंडल के रूप में दी हुई हो, बार बंडल इन कॉन्टैक्ट, बार अगर बंडल के रूप में दे दी गई है तो उस केस में भी क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ बातें वो रखनी पड़ती है। केस नंबर वन क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दो बार दे दी, टू स्टील बार बंडल के रूप में है, तो उस केस में आपको LD की वैल्यू, LD जो है ना डेवलपमेंट लेंथ, कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये आपको 10% इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपके पास में तीन बार दे दी, तीन स्टील की बार हैं, उनको एक साथ बंडल के रूप में दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% ये वैल्यू डेवलपमेंट लेंथ की बढ़ानी पड़ेगी। केस नंबर थ्री, अगर आपके पास में चार स्टील की बार दे दी, तो चार स्टील के बार के केस में आपको 33% ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया ना? अब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है किसी बच्चे के कि बार इन बंडल का मतलब क्या है, तो भैया बार इन बंडल का मतलब ये है कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, एक बार प्रोवाइड कर रहे थे, मान लीजिए इसके साथ में एक और बार प्रोवाइड कर दी, दो बार प्रोवाइड कर दी, तो ये बंडल के रूप में दे दी, मतलब आप दो बार एक साथ दे दिया आपने, तो ये बार इन बंडल हो गया। तीन दे दोगे तो तीन हो जाएंगे, चार दो चार हो जाएंगे, तो इनके लिए क्या है, डेवलपमेंट लेंथ फिर बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, क्या डेवलपमेंट लेंथ बढ़ानी पड़ती है, क्यों बढ़ानी पड़ती है यार, ये सोचा है क्या आपने, डेवलपमेंट लेंथ क्यों बढ़ानी पड़ेगी, डेवलपमेंट लेंथ क्यों बढ़ानी पड़ेगी अगर आपने ये एक साथ बंडल के रूप में दे दी है, तो इसलिए बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, क्या नहीं समझ में आई अगर ये बात, तो अब समझ में आ जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, नोट है, ये समझ लो, मान लीजिए अपने पास में क्या है, दो सेक्शन है, दो सेक्शन है, एक सेक्शन तो ये है, यहाँ पर क्या है, आपने दो बार प्रोवाइड किए हैं, टू बार्स प्रोवाइडेड 16 mm डाया, 16 mm की आपने दो बार प्रोवाइड कर रखी है। एक दूसरा सेक्शन आपने प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आपने क्या किया है कि 16 mm की, 16 mm की जगह पर 8 mm की आपने चार बार प्रोवाइड कर दी, कितनी, चार बार प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ अगर आपने दो बार प्रोवाइड किए हैं 16 mm की, और यहाँ आपने प्रोवाइड किया 8 mm की चार बार, तो इन दोनों में से सरफेस एरिया जो मिलने वाला है, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया किस में मिलेगा, वो मिलेगा इस वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर चार बार्स हैं, वो भी किसकी, 8 mm की है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर वाले का भी कॉन्टेक्ट इसी से है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी डेवलपमेंट लेंथ फेल हो रही हो, तो उस केस में अगर आपको सेक्शन को क्या करना हो, इकोनॉमिक भी बनाना हो, मतलब और आपको बार प्रोवाइड नहीं करनी है, और आपको बॉन्ड में फेल होने से बचना है, डेवलपमेंट लेंथ भी आपको सही से मैनेज करनी है, डेवलपमेंट लेंथ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करनी है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि लार्जर डायमीटर ऑफ बार की जगह पर आप क्या कर दो, थिनर बार प्रोवाइड कर दो उसकी जगह पर। ठीक है, क्या थिनर बार प्रोवाइड कर दो, यानी कि हम कह सकते हैं विदाउट इंक्रीज इन LD, इफ वी प्रोवाइड थिनर बार इन प्लेस ऑफ लार्जर डाया, देन वी कैन इम्प्रूव बॉन्ड, आप कह सकते हो देन कैन बी इम्प्रूव बॉन्ड स्ट्रेंथ,
ठीक है, मतलब ये समझना, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लार्ज डायमीटर की यानी बड़े डाया की जगह है छोटे डाया की बार उपयोग करने से आपके क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। अब यार बॉन्ड को हिंदी में बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, बॉन्ड ही लिख देता हूँ यार, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। भैया ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 2 बार, है ना, इम्पोर्टेंट इसलिए इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, एसएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट में भी आया हुआ था, शायद एमपी सब इंजीनियर के पेपर में आया था ये ना, एमपी सब इंजीनियर का पेपर आया था उसमें आया था ये, शायद है ना 18 वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन। चलो चलो ये काम हो गया, समझ में आ गई वाली बात, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं एंकरेज लेंथ के बारे में, ठीक है, अब हमारा जो मामला चलेगा वो मामला चलेगा एंकरेज लेंथ के बारे में। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, अब हम बात करेंगे एंकरेज लेंथ के बारे में। जो एंकरेज लेंथ है वो एंकरेज लेंथ किस तरह से आपको प्रोवाइड करनी है, क्या क्या होता है, तो ध्यान रखना आरसीसी मेंबर में डेवलपमेंट लेंथ जो है अगर वो सेफ नहीं हो रही है या सेफ्टी के हिसाब से वो उतनी लेंथ प्रॉपर नहीं है और आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उस केस में क्या है, एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं एंकरेज लेंथ। और ये जो एंकरेज लेंथ है किस रूप में प्रोवाइड करते हैं भैया, इसको प्रोवाइड किया जाता है या तो हुक के रूप में या बेंड के रूप में, ठीक है, और किस में प्रोवाइड किया जाता है, ये माइल्ड स्टील में या प्लेन बार होती है उनमें ये प्रोवाइड किया जाता है। जनरली आपकी जो डिफॉल्ट बार होती है, जो आईएसडी बार होती है, उनमें एंकरेज लेंथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या होती है, अच्छी होती है, आपको पता है उनका जो सरफेस होता है रफ होता है उस पर बॉन्ड अच्छे से वो बना लेते हैं, तो उसमें क्या है ज़्यादातर आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनरली ये किसमें आवश्यकता पड़ती है, माइल्ड स्टील में या प्लेन बार में इनकी आवश्यकता पड़ती है। सुन लिया आपने ढंग से, समझ में आ गया ना, तो अब ये ध्यान रखना कि एंकरेज जो लेंथ है इस एंकरेज लेंथ का यूज़ कहाँ होगा, जनरली यूज़ कहाँ होगा, जनरली यूज़ होगा आपके FE250 में, ठीक है ना, FE250 में यूज़ होगा। और किस रूप में यूज़ होगा, रोल क्या होगा इसमें, रोल होगा आपके को LD के साथ में जो एक्स्ट्रा लेंथ आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एक्स्ट्रा जो लेंथ है वही आपकी एंकरेज लेंथ होती है। अब ये जो एंकरेज लेंथ है ये आपके या तो हो सकता है कि हुक के रूप में आप प्रोवाइड करो या हुक ना हो के आप क्या कर सकते हो, बेंड के रूप में प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी समस्या आ सकती है, अब समझना यहाँ पे दो केस होते हैं, दो केस होते हैं यहाँ, यहाँ पे अगर आपने यहाँ ये चीज़ समझ गए अपना काम हो जाएगा, अगर यहाँ समझ गए तो काम हो जाएगा। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि यानी कि हुक जो प्रोवाइड कर रहे हो आप या फिर आप बेंड प्रोवाइड कर रहे हो ये अलग अलग होते हैं अलग अलग चीज़ों में। यानी कि जो आपके जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, एंकरेज जो लेंथ है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो बार्स में, यानी कि टेंशन बार जो आपने प्रोवाइड कर रखी है मेन बार में, और एक होता है आपके स्टिरप्स में, अलग अलग होता है, मेन बार में अलग होगा और स्टिरप्स में अलग होगा। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होता है, तो पहले मैं अब आपको बता रहा हूँ मेन बार का, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है जो आप बीम है, बीम में जो मेन बार प्रोवाइड कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसमें बता रहा हूँ, और फिर मैं बताऊंगा कि स्टिरप में कितनी प्रोवाइड करते हैं। दोनों में अलग अलग होती है, ये बात समझना, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में अलग अलग होती है। अब हम हमारे से क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन करने जाते हैं हमको समझ में नहीं आता हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन बार की या किसकी, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि स्टैंडर्ड हुक क्या होता है और आपका स्टैंडर्ड बेंड क्या होता है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि स्टैंडर्ड हुक के लिए, स्टैंडर्ड आपके बेंड के लिए कैसा डायग्राम होता है, क्या होता है, तो समझना होता क्या है कि ये जो है आपका, ये तो है आपका हुक, क्या है, स्टैंडर्ड हुक है। और इस स्टैंडर्ड हुक में ध्यान से समझना कि इसको क्या करना पड़ता है, कुछ ना किसी किसी ना किसी एंगल पर इसको क्या है कि ऐसे घुमाना पड़ता है, तो जिस एंगल पर या फिर आप कह सकते हैं रेडियस पर घुमाना पड़ता है वो रेडियस होती है के फाई, कितनी होती है के फाई। जबकि आपके जो आप प्रोवाइड करते हो किसमें, बेंड में, तो बेंड में ये क्या हो जाता है, बेंड के केस में क्या होगा कि ये लेंथ है यहाँ से जो प्रोवाइड कर रहे हो आप ये के फाई, साथ ही साथ में ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की ये होती है आपकी कितनी के प्लस फाई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि के की वैल्यू क्या होगी, के किस तरह से रिलेट होगा, तो ध्यान रखना के एक फैक्टर है और मिनिमम के फोर माइल्ड स्टील कितना होगा 2 होता है और कोल्ड वर्क स्टील के लिए कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, ध्यान रखना माइल्ड के लिए 2 है और कोल्ड वर्क स्टील के लिए 4 है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना इनके के की वैल्यू ये होती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि आपने यहाँ पर बेंड प्रोवाइड कर दिया ये इस तरह से, अब जो एक्स्ट्रा लेंथ आपने प्रोवाइड की यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी होती है, ये ध्यान रखना ये 4 5 होती है, कितनी होती है 4 5 होती है। ऐसे ही बेंड में भी आपने एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ प्रोवाइड किया, ये जो आपने सर्कुलर बना दिया है, बेंड बना दिया है,
उस बैंड के बाद जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर भी कितनी होती है, 4-5 होती है। मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 4-5 तो होगी होगी। तो ये 4-5-6 है, इतनी तो रखनी रखनी पड़ती है एक्स्ट्रा उस घुमाने के बाद में उसकी। अब यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बैंड के बारे में, हुक के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ लिख लेते हैं तरीके से। मान लीजिए आपके पास बैंड है, मेन बार की बात बार बारे में बात करें, पहले हम इस मेन बार के बारे में बात करें ना। बैंड की अगर बात की हुई है तो ध्यान रखना, एवरी 45 डिग्री बैंड, अगर आपने हर 45 डिग्री का बैंड आपने बढ़ाया है तो उसके लिए आपको जो लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 4-5 के बराबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसको समझते हैं कैसे। मान लो आपने 90 डिग्री का बैंड बनाया है, तो 90 डिग्री के लिए आपको कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी दो दो बार 45 बढ़ाया है, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 8-5 लेंथ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ के अलावा बैंड के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं हुक की बात कर रहा हूँ, किसकी हुक की, तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हुक है उस हुक में क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, यू टाइप जो हुक होता है आपका, स्टैंडर्ड यू टाइप का हुक होता है, इसके लिए लेंथ कितनी होती है। तो स्टैंडर्ड यू टाइप के लिए जो हुक की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 16-5 होती है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ उसका जवाब देना कि एंकरेज वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड यू टाइप हुक कितनी होगी, 16-5 होगी, कितनी होगी, 16-5 होगी, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ना, स्टैंडर्ड फाई जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 16-5 होगी। और अगर बैंड की बात करें तो बैंड में हर 45 डिग्री के लिए 4-4-5 वैल्यू होगी, लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम जो होगी वो 16-5 हो सकती है, इससे ज़्यादा ये नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू 16-5 हो सकती है बैंड के लिए, इससे ये ज़्यादा नहीं होगी। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये किसके लिए बताई हैं, ये बताई हैं मैंने मेन बार के लिए, कि मेन बार में किस तरह से आप ये एंकरेज की जो वैल्यू है ये आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। समझा गया ना, कि स्टैंडर्ड अगर हुक होगा तो स्टैंडर्ड हुक में आप कितनी प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। तो और अगर आपसे कोई बोला जाए कि स्टैंडर्ड 90 डिग्री का बैंड है, तो स्टैंडर्ड 90 डिग्री के बैंड के लिए कितने आप प्रोवाइड करोगे, तो ये मैंने बता दिया 8-5 आप प्रोवाइड करोगे। ये स्टैंडर्ड 90 डिग्री बैंड के लिए है, जबकि ये स्टैंडर्ड यू टाइप हुक के लिए है 16-5। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जहाँ कन्फ्यूजन आता है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजेबल है, मतलब बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं यहाँ पर। एग्जाम में बोला जाता है, एग्जाम पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ डाउट कहाँ से डेवलप होता है। क्वेश्चन बोला जाता है कि 135 डिग्री का अगर आपने एंगल दिया हुआ है तो इस जो आपका एंकरेज वैल्यू है 135 डिग्री के लिए कितनी होगी। अब आंसर दिया होता है 65, कितना दिया होता है 65। अब बच्चे दिमाग लगाते हैं, देखो कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, और 90 में अगर मैंने 45 जोड़ दिया तो ये कितना होगा, 135 डिग्री हुआ। यानी कि मेरा वो कंसेप्ट है 4-5 प्लस 4-5 प्लस 4-5, भैया ये तो 12-5 आ रहा है और आंसर दिया हुआ है 6-5, यानी कि ये 6-5 है वो है गलत। फिर वो ये मान लेते हैं कि गलत दिया हुआ है, तो ये गलत मान के और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, या बहुत सारी जगह पर ये कई जगह पर तो 12-5 ही दे देते हैं और कई जगह 6-5 देते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, 6-5 है। तो ये भी समझते हैं ये क्वेश्चन क्या था, असली क्वेश्चन क्या था और इसका असली आंसर क्या था। बच्चे क्या है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले स्टेप्स के बारे में, क्या अगर आपको स्ट्रेप्स दी हुई है तो स्ट्रेप्स के केस में कैसे कैसे ये वैल्यूज चेंज होती है, क्या क्या होती है ना। तो स्ट्रेप्स के बारे में लिख लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ एंकरेज लेंथ, लेंथ फॉर स्ट्रेप्स। तो जो स्ट्रेप्स होती है, स्ट्रेप्स के केस में कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है। अब मान लीजिए ये आपका कोई सेक्शन है और उस सेक्शन में यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट है, यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट है, यहाँ पर रेनफोर्समेंट है। अब जो समझाने का प्रयास करूँ, अगर आपने समझ लिया तो मामला यहीं के यहीं सेट हो जाना है। मान लीजिए आपने ऐसे करके एक स्ट्रेप प्रोवाइड की, यहाँ आते आते आपने क्या है उसको घुमा दिया ऐसे, केस नंबर वन। ये तो है 135 डिग्री का, ठीक है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रेनफोर्समेंट थे, इन रेनफोर्समेंट पर आप लेके आए और लाने के बाद में आपने ऐसे करके सिर्फ इतना घुमा, यहाँ लेके आए और ऐसे घुमा दिया इनको, है ना। अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर, ऐसे घुमा दिया इनको, यानी कि कितने पर घुमा दिया, 90 डिग्री पर घुमा दिया। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है तीसरा केस, कि आप ऐसे लेके आए, यूँ लाए और यहाँ लाने के बाद में पूरा को पूरा ऐसे घुमाया है इन्होंने, यूँ घुमाया है, ठीक है ना, यूँ घुमा दिया, यू बना दिया, यानी कि 180 डिग्री पर घुमा दिया। यानी कि स्टिरप्स के आपके पास में अलग अलग, हाँ एक दिन ना 45 डिग्री पर नहीं घुमाते हैं स्टिरप्स को। स्टिरप्स के बारे में दो चीज़ें बता देता हूँ, एक तो 45 डिग्री पर नहीं रखते हैं और दूसरा स्टिरप्स का जो लॉकिंग है, इंटरलॉकिंग जो की जाती है, लॉकिंग की जाती है स्टिरप्स की हमेशा और हमेशा, ये कंप्रेशन जोन में की जाती है, टेंशन जोन में कभी नहीं की जाती है। कभी आपने देखा है क्या बॉटम में नीचे की तरफ से ये ऐसे लॉक दिया हुआ हो, देखा है क्या, नहीं देखा होगा जिंदगी में, अगर देखा है तो वो गलत देखा है। क्यों, क्योंकि भाई नीचे तो टेंशन आने वाला है, अगर टेंशन आएगा और ये लॉक खुल गया तो
तो लॉक ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, इसलिए हमेशा कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड की जाती है ना, ताकि कंप्रेशन आए और ये लॉक है और लॉक और बढ़ जाए, अच्छा लॉक बन जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये बस बताना कि यार इन तीनों केसेस में 90 में, 135 में और 180 डिग्री में सबसे बढ़िया लॉकिंग किस में हो रही है, सबसे बढ़िया जो लॉकिंग है वो किस में हो रही है, कि फेल होने के चांसेस सबसे कम किस में। जितना मेरा दिमाग चल रहा है, मेरे को तो लगता है कि 180 डिग्री वाला जो केस है ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने इस तरह से पूरा का पूरा लॉक कर लिया, एकदम बढ़िया तरीके से लॉक कर लिया है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं लेंथ जो है एंकरेज लेंथ अगर मैं कम प्रोवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्या? कम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब 135 में आओ, 135 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर लॉकिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 180 डिग्री में थी। अब 90 डिग्री में आओ, यहाँ तो लॉकिंग सही तरीके से प्रॉपर है ही नहीं, आपने सिर्फ इसको इस तरह से यहाँ से यूँ कर दिया है, और यहाँ जो आ रहा था उसको वहाँ से लेके गए और उधर से जो आया था उसको ऐसे लेके गए, तो यहाँ पर उतनी अच्छी लॉकिंग नहीं हो पा रही है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू है एंकरेज की वो थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और यहाँ पर 135 में इन दोनों के बीच की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब देखो क्या होगा कि 90 डिग्री का बैंड अगर है तो 90 डिग्री के बैंड में आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो ध्यान रखना, 490 डिग्री बैंड, मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, आपको 85, कितनी 85 आपको लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप आ रहे हो 135 डिग्री के बैंड पर तो आपको यहां पर कितनी थोड़ी सी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इससे कितनी 65 प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर आप बेटा 180 डिग्री में पहुंच गए मेरे भैया तो 180 डिग्री में और भी कम, यानी कि 45 आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब समस्या पता है कहाँ डेवलप होती है? समस्या बहुत जगह डेवलप हो जाती है बच्चों के। सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूज मैं खुद कन्फ्यूज रहा था, जिंदगी भर कन्फ्यूज मैं इसी में था कि यार 180 डिग्री के लिए स्टैंडर्ड हुक के लिए 16.5 बोलते हैं, और मैं कितनी किताबों में देख चुका हूँ कि 180 डिग्री के लिए कई बार आंसर 4.5 दे देता है। तो यहाँ बहुत कन्फ्यूज रहता था मैं, बहुत कन्फ्यूज रहता था मैं, खुद कन्फ्यूज रहता था। फिर बाद में जब ढंग से पढ़ा किताबों में, BBS के बारे में मैंने पढ़ा कि BBS कुछ है, BBS का फिर कोड देखा, तब जाके समझ में आया कि यार ये जो मैं पढ़ता था ये अलग बार के लिए है, और 180 डिग्री 4.5 आ रहा है ये अलग बार के लिए, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं भैया, अलग अलग हैं, है ना। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई, तब फिर मुझे समझ में आया कि यार देखो कितना घपला है हम। चक्कर क्या है कि चीज़ें क्या है हमारे सामने होती हैं, बुक्स में लिखी हुई होती हैं, लेकिन हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है कि प्रॉपर तरीके से ईजी वे में कोई हमको बता दे कि यार मामला ये है। पढ़ा तो बहुत लोगों से मैंने कई बार बहुत लोगों से ये टॉपिक पढ़ लिया था, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को इतना तगड़े तरीके से, बढ़िया तरीके से खोल के नहीं समझाया कि यार है क्यों, क्या है ये, कैसे है ये, है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ज़िंदगी में दोबारा नहीं भूलोगे तुम, ठीक है। क्या नहीं समझ में आई तो अब देख लो क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप एंगल की बात करते हो कितना एंगल आपको प्रोवाइड करना है, तो आपके पास में अलग अलग केसेस होते हैं। अगर आपने इस तरह से प्रोवाइड किया है तो 135 डिग्री का केस हो जाता है, ये आपका 90 डिग्री का केस हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 180 डिग्री का। अब आप खुद देख सकते हो यार यहाँ पर जो लॉकिंग की जा रही है, यहाँ पर जो लॉकिंग की जा रही है और यहाँ पर जो लॉकिंग की जा रही है, यहाँ पर लॉकिंग आप देख सकते हो, ये जो लॉकिंग्स की जाती हैं इनमें से देखने से पता चलता है लॉकिंग सबसे बढ़िया कौन सी है, 180 डिग्री वाली लॉकिंग सबसे बेटर होती है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना कि यार ये किसके लिए, स्ट्रेप्स के लिए है या मेन बार के लिए है, किसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्या समझ में आई ये बात? चलो भैया अब देखो, अब क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात और है वो कर लेते हैं, फिर हम डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर वापस से चलेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ में क्या एक चेक होता है, उस चेक के बारे में फिर हम बात करेंगे, या फिर काम को डेवलपमेंट लेंथ का जो चेक है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो डेवलपमेंट लेंथ के बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो डेवलपमेंट लेंथ है उसका जो फॉर्मूला आता है LD वाला फॉर्मूला, वो कुछ इस तरीके से आता है कि LD इक्वल टू 5σs बोल सकते हो आप, 4τBD अगर आप WSM में हैं तो, अगर आप अगर LSM में हैं तो 0.87FY5/4τBD ये फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? LD का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर एक चेक लगाना होता है कि LD की वैल्यू इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है। कहा जाता है कि LD जो आप कंप्यूट कर रहे हो डज नॉट एक्सीड, तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए उसके बारे में एक नोट आता है, तो उस नोट के हिसाब से फिर आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, इतनी वैल्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आप एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, LD शुड बी इक्वल और लेस M1/V प्लस एन नॉट। ये एक चेक आता है, ये चेक आपको फुलफिल होना, जब भी डिजाइनिंग करते तो आपने ये देखा भी होगा, ये चेक फुलफिल होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला कब अप्लाई है और कब अप्लाई नहीं है, क्योंकि एक फॉर्मूला और आ जाता है। अगर आपने देखा होगा एक फॉर्मूला और आता है जिसमें आपका क्या है, M1 की जगह 1.3 जो है
वो एक फैक्टर आ जाता है, तो वो भी समझ लेते हैं 1.3 कैसे आता है। एक फॉर्मूला था एल डी लेस देन इक्वल टू 1.3 एम वन अपॉन वी प्लस एन नॉट, एक ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले सही है, दोनों गलत नहीं है। ये स्पेशल फॉर्मूला है, ये कब है, ये तब है जब आप क्या हो किसी ऐसे जोन में पहुंच जाएं जहां पर क्या है, जो जोन है या रिएक्शन है वो कंप्रेशन रिएक्शन आ रही हो। कंप्रेशन जब रिएक्शन आ रही होती है उस केस में, जैसे मान लो यहाँ पर आपने लेंथ प्रोवाइड करनी है और ऊपर से और नीचे से अगर आपको कोई दबा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है एक कंप्रेशन जोन डेवलप हो रहा है, तो उस केस में ये फिर ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है 1.3 का, आपको एक फैक्टर लेके चलना है। अब एल नॉट क्या है, एल नॉट जो होता है, एम वन तो आ गया मोमेंट आ गया उस पर्टिकुलर सेक्शन पर जहाँ आप कैलकुलेट कर रहे हो, और वी क्या है उस शेयर फोर्स है उस पर्टिकुलर सेक्शन पर। एल नॉट के बारे में कई बार पूछ रहे थे कि एल नॉट क्या होता है, तो एल नॉट की जो वैल्यू होती है ये या तो होगी 12 फाई है ना, और या फिर होगी आपकी इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव जो डेप्थ है वो डी, इन दोनों के बराबर होगी। और इन दो ऑप्शन है अपने पास में, तो दोनों में से क्या लेना है, जो वैल्यू आपकी क्या होगी, जो वैल्यू आपके पास में ज़्यादा होगी, यानी मैं लिख दूँ ग्रेटर, जो ग्रेटर वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। क्या लेनी, ग्रेटर वैल्यू यानी कि बड़ी वाली जो वैल्यू है वो आपको इन दोनों में से फिर लेनी पड़ेगी, या तो 12 फाई या डी, इन दोनों में से एक वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। समझ में आया? तो ये बात किसके लिए, डेवलपमेंट लेंथ के लिए, डेवलपमेंट लेंथ का ये चेक आपको लगाना पड़ता है। तो ये सारी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी है, और इनमें से यकीन मान के चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि आपको जो भी रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्या है, जो 1/3 रेनफोर्समेंट है उसको आप एम्बेडेड करना पड़ता है सिंपली सपोर्टेड जो मेंबर है उसके केस में, है ना, और एक में 1/4 भी करना पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितना रेनफोर्समेंट है, कितनी लेंथ तक प्रोवाइड करते हैं, ना तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है तो उसको कितनी लेंथ तक प्रोवाइड करना है, कितना नहीं करना है। तो ध्यान रखना पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट जो होगा वो सिंपली सपोर्टेड में 1/3, और ध्यान रखना कंटिन्यूस के केस में 1/4 जो है स्टिल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा सपोर्ट के अंदर, L/L/3 लेंथ तक ये कम से कम करना ही पड़ता है। तो आपने अगर जैसे कोड वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ समझाई थी कि सिंपली सपोर्टेड अगर आपके पास में है तो सिंपली सपोर्टेड में तो क्या कर सकते हो आप, 1/3 जो है उस रेनफोर्समेंट को आप क्या कर सकते हो, एम्बेडेड कर सकते हो जो भी आपका रेनफोर्समेंट है, और कंटिन्यूस के केस में 1/4 जो रेनफोर्समेंट उसको आपको क्या करना, एम्बेडेड करना पड़ेगा, और कम से कम L/3 लेंथ तक एम्बेडेड करना ही पड़ता है ना। ये कुछ पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट है उसके केस में, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जब मैंने कोड पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, एक चीज़ मैं बताने वाला था स्प्लाइसेस के बारे में कि लेंथ की जो स्प्लाइसेस अगर आप प्रोवाइड करते हो कि जैसे दो बार दो बार को अगर ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए कितनी लेंथ कम से कम आपको रखनी पड़ेगी वहाँ पर, है ना, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी। चलिए स्प्लाइसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्प्लाइसेस में कैसे आप चीज़ें प्रोवाइड करते हो। चलो अब स्पेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर हो जाएगा हमसे तो हो रहा है क्या, अरे यार हो रहा है, तो यार स्पेस तो बड़ा हो गया, चलो बढ़िया यार ये तो हो गया, तो पढ़ भी लेते हैं फिर इसी हिसाब से। तो अब ध्यान रखना एक आपके टॉपिक छोटा सा दो लाइन का टॉपिक है, लैप लेंथ बोल सकते हो आप इसको, लैप लेंथ नहीं बोलते हो तो लैप स्प्लाइसेस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लैप स्प्लाइसेस। कोड में क्या है 26.2.5.1 एक क्लोज है, उस क्लोज में दिया हुआ है और पेज नंबर है 45 वहां पर ये दिया हुआ है। ये क्या है, ये ऐसे बोलता है कि जैसे मान लीजिए दो बार है, एक बार यहाँ पर थी और दूसरी बार यहाँ पर थी, इन दोनों को अगर जोड़ना है, इनको अगर ऐड करना है, तो कुछ ना कुछ लेंथ जो है इनको ओवरलैप करना वाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, इस तरह से ये ओवरलैप करवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ लेंथ। एग्जैक्टली क्या है, इनको थोड़ा बेंड करना पड़ता है फिर होती है, मतलब ऐसे कर रहे हो ना आप, इसको थोड़ा सा ऐसा किया जाता है और इस वाली लेंथ जो यहाँ से बाहर आ रही है उसको इस तरह से बेंड किया, ऐसे किया जाता है, तो इस तरह से होता है ये पूरा का पूरा मामला, ठीक है। तो ये जो लेंथ है जो आप ओवरलैप करवा रहे हो, इस लेंथ से रिलेटेड मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसको बोला जाता है लैप स्प्लाइसेस, है ना। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि लैप स्प्लाइसेस कितने डायमीटर तक के रेनफोर्समेंट पर की जा सकती है ना, तो ध्यान रखना पहला पॉइंट, मैक्सिमम डाया इक्वल टू 36 mm अदर देन यूज वेल्डिंग, मतलब ये कि मैक्सिमम 36 mm डायामीटर तक ही आप लैप स्प्लाइसेस कर सकते हो, यानी कि जो मैं जोड़ रहा हूँ इस तरह से जोड़ सकते हो, अगर इससे ज़्यादा है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, वेल्डिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, वेल्डिंग करनी पड़ेगी। अब चलिए केस नंबर वन, आपके क्या हो, टेंशन हो,
क्या हो, टेंशन आ रही हो रेनफोर्समेंट पर, उस सेक्शन पर। और टेंशन में भी दो तरीके से टेंशन आएगी, ठीक है ना। एक हो सकता है आपके जो मेंबर दिया हो फ्लेक्सर टेंशन आ रही हो वहाँ पर, एक हो रहा हो कि डायरेक्ट टेंशन आ रही हो। क्या रही हो? डायरेक्ट टेंशन आ रही हो। डायरेक्ट टेंशन का जब भी केस आएगा ना, डायरेक्ट टेंशन के केस में पेन थोड़ा सा क्या है, सही चल नहीं रहा है ना, कुछ दिक्कत है इसमें, तो मैं वापस लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। अब तुम ये मत सोचना कि सर पेन तो सही है, आपकी राइटिंग ही खराब है। ऐसा भी सोच रहे हो कई लोग, तो बोले पेन तो बढ़िया है सर, पेन में कोई गड़बड़ी नहीं है, राइटिंग में गड़बड़ी है। तो अब यहाँ पे समझना कि अगर मेरे पास फ्लेक्सर टेंशन का केस आता है, तो जो लैप की वैल्यू होगी, मिनिमम जो लैप की आपकी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो होती है आपके या तो एल डी के बराबर, या फिर आपको रखनी पड़ती है 35 के बराबर। कितनी? 35 के बराबर। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। अब वही वैल्यू, दो वैल्यू तो लेंगे कौन सी? तो ये जो मैं बता रहा हूँ लैब की वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यूज बता रहा हूँ। कितनी बता रहा हूँ? मिनिमम वैल्यूज बता रहा हूँ। तो यानी इन दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वो वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट टेंशन का केस होता है, डायरेक्ट किसका होता है? डायरेक्ट टेंशन का केस। तो डायरेक्ट टेंशन के केस में क्या होता है भैया, डायरेक्ट टेंशन के केस में अपने पास में दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर भी। या तो आप क्या ले लो, 2LD ले लो, या फिर आप कितनी ले लो, 35 ले लो। कितना ले लो? 35 ले लो। इन दोनों में से आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ती है। अब केस नंबर टू, अगर आपको यहाँ पर दिया हो कंप्रेशन, क्या दिया हो? कंप्रेशन, अगर फोर्स आ रहा हो कंप्रेशन, अगर आपके पास कंडीशन है कंप्रेशन मेंबर है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी समझने वाली बात है। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, वापस से दो केस बनते हैं जैसे अभी मैंने बताया। क्या होता है, या तो आप प्रोवाइड कर सकते हो जो वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ में या तो प्रोवाइड कर सकते हो आप 25, या फिर आप प्रोवाइड कर सकते हो एल डी। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो। वही वाली बात है, दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में से आप क्या लोगे जो आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम इतनी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। और हाँ, जब भी हम क्या है डिफरेंट बार्स अगर हैं उनको हम कर रहे हैं, तो लैप लेंथ जो कैलकुलेट की जाएगी वो किस पर की जाएगी? स्मॉलर बार पर की जाएगी। मतलब ऐसा है ना यार, मैंने आपको बोल दिया कि 5 यूज में लेना है। क्या लेना है? एक्स्ट्रा ज्ञान है इधर लो, इसको 5 यूज में लेना है। अब अगर हो सकता हो कि यार एक में तो है आपका 25 और एक में 16.5, तो गुरुदेव आपने तो बोल दिया 5 लेना, अब लेना कौन सा है? 25 लेना है, 16.5 लेना है, कौन सा डायमीटर लेना है? तो भैया स्मॉलर डायमीटर लेना। जब दो स्मॉल अलग अलग हों तो स्मॉल डाया हम काम में लेंगे, दो अलग अलग होंगे ना डायमीटर तब हम स्मॉल डायमीटर काम में लेंगे, ठीक है क्या। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, 4-5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इससे। ये देखो कितना छोटा सा टॉपिक है, लैप स्प्लाइसेस के बारे में पढ़ना है, 4 बार बातें मैंने बता दी हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। रिपीट करवाऊँ क्या? रिपीट करवाने की जरूरत थोड़ी है, ईजी है। याद रखना कि जब भी आपके टेंशन की बात होगी, तो टेंशन में थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे वैल्यू 35 35, और जब यहाँ 24 5 कर देंगे डायरेक्ट टेंशन में थोड़ी ज़्यादा, तो 2L 2LD, जबकि बाकियों में क्या है LD LD होती है वैल्यू, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लगता है कि शायद समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की थी एकदम धीरे धीरे और आराम से समझाने की, और अगर नहीं समझ में आया किसी स्टूडेंट के, मान लो फिर भी किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आया है, तो भैया उससे बहुत गहरी चोट लगी है ना, उससे गहरी चोट लगी है मान के चलना, और उस चोट का इलाज फिर मेरे पास नहीं है, है ना। तो गहरी चोट लगी है अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। चलो बढ़िया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 9। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं, मामला सब सेट है, तो इस वीडियो को क्या है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। देखो मेरा चैनल का नाम है स्टडी विद सिविल बडी, ठीक है। तो बडी का मतलब क्या होता है? बडी का मतलब होता है आपका हमदम, आपका दोस्त, जिसको आप अपनी चीज़ें बता सके, शेयर कर सके, जो आपकी हेल्प कर सके, और आप जब भी आप उसको कॉल करें वो आपको कॉल उठाए और बोले कि हाँ भाई क्या बात है, क्या हुआ, है ना, कोई भी काम पड़ने पर। तो मैं वैसा ही कुछ सोच रहा हूँ, मैं वैसा ही कुछ लेकर आया हूँ मार्केट में, यूट्यूब पे, कि यार मैं ऐसा कोई आपके पास में होना चाहिए जिसको आप अपनी दिक्कतें परेशानियाँ आप बता सकें कि मुझे यार ये परेशानी है और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में चीज़ें पढ़ाता हूँ, बड़े भाई की तरह सलाह देता हूँ और दोस्त की तरह पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो ठीक है, फिर भी कोई परेशानी तो आप मुझे बताना, ठीक है। मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, तैयार तैयार हूँ आपकी मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।